तेलंगाना वक्फ बोर्ड दफ्तर वाक़ नामपल्ली में मैरिज सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए आवाम को कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक मैरिज सर्टिफिकेट्स हासिल करने और उसकी रकम अदा करने के लिए यहाँ पर काउंटर और अमले की कमी होने से आवाम को कई घंटों लंबी लाइन्स में खड़े रहना पड़ रहा है। आवाम ने इस मसले पर तवज्जो देते हुए यहाँ पर मुलाजमीन की तदाद में इजाफा करने का हुकूमत से मुतालबा भी किया है। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम तल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जुबेर है, मैं बाहर का सिंदरन गुट्टे से आया हूँ। सुबह 10 बजे से यहाँ पर हज हाउस में सबों की पब्लिक यहाँ पर लाइन लगा कर खड़ी हुई है। सुबह 10 बजे से यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन 5 रुपये में फॉर्म दे रही, उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए 10 मिनट, उसके बाद एक इमाम साहब यहाँ बैठ रहे हैं, उन्होंने 1 घंटा 2 घंटा लाइन में ठहरा के उन्होंने करेक्शन कर रही। उसके बाद 2 घंटे के बाद आप देखिए लाइन यहाँ पर पैसे पे करना है तत्काल के लिए। तत्काल के लिए जब पैसे पे कर रही तो 15 दिन के बाद आओ, ऑर्डनरी के जा रहे तो 20 दिन के बाद आओ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आकर यहाँ पर बैठे हुआ है, जब से यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना ID कार्ड बताया तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग अहमदाबाद निज़ामबाद यहाँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट से आके बैठे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जब पब्लिक इतनी है, मैरिज सर्टिफिकेट इतने सारे इशू करना है तो 4 काउंटर लगाइए ना। एक काउंटर के पीछे 2-2 घंटे लाइन में ठहरो, भराई फॉर्मा दे के चले जाओ, फॉर्मा दे के बात भराई 2 बजे के बाद आओ, 2 बजे के बाद भराई पीस लाइन में ठहरो, फोन नंबर दियो, OTP दियो। पब्लिक से 6 बजे आके बैठनी, 7 बजे आके बैठनी, एक ही लाइन लगा के हो तो पब्लिक कहाँ से करेंगे बताइए। और एक रिलीजन सर्टिफिकेट के लिए भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट नहीं, तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करी सब बताइए आप। एक 4 काउंटर लगाइए, पब्लिक तो कुछ नहीं बोलेंगी, मुश्किल में ठहरेंगी, जो तकलीफ में उन्हें बोलेंगे ना। 4 घंटे से लाइन में ठहरे, 2 घंटे इधर 2 घंटे इधर, वो तो खाने का टाइम है, नमाज का टाइम है, 2 बजे के बाद आओ, ये हरकत हो रही। अगर उतनी पब्लिक है उतना आप लोग इशू नहीं कर सकते, खासी हमको दे दो, खासी आप इशू कर लेते। नहीं समझ में आया तो 4 काउंटर लगाओ, एक काउंटर में कितना बोल के पब्लिक ठहरेंगे। उन्होंने मोल साहब खिला लेते हैं, दाढ़ी भी यूँ कर लेते हैं, बैगन को बोलो बोल के उन्हें लिख लेते बैठे हुए सबका, किसी का असर ही नहीं है। पब्लिक भाड़ में जाओ आगे देखिए, देखो आप जरा कैसे बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, औरतें हैं, औरतों को तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखो भाड़ किधर है, औरत किधर है, कोविड किधर है, क्या है ये, क्या वो तो आ रहे हैं कैमरा ले लेके सीधा सामने, क्या वो तो पुलिस में देते हैं कमरे से, आओ दियो बोलो कंप्लेंट देने कैसे। देखो आपके सामने औरतों में तक लगा देंगे, आप सही कंट्रोल नहीं है सर, कंट्रोल नहीं है। जिसको जो मुका बोल रहा हूँ आपसे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या CM है जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। मोहम्मद जुबेर और कहाँ से हैं? चंद्रन गुट्टा पावना का। मैं 11 बजे से आके बैठी बाहर शरीफ से, अभी तक लगी है 2 बजे देते हो बोले, 2:30 बजे देते हो बोले, अभी तक मैं ठहरी हुई हूँ। कब डाले सुबह? 19 तारीख 19 तारीख को डाले थे, 19 तारीख की डेट है। फार्म लेने को बैठी तो फार्मा बंद कर दिए, फिर दूसरे दिन आके फार्म भर के दी। कितना किराया और आपको आने जाने के लिए? बोला मेरे 500 रुपये जाने, 500 रुपये आगे बोला। मेरा नाम अब्दुल अजीम है, पहले कीर्ति किशन राव नाम था, अभी इस्लाम सर्टिफिकेशन के लिए आए थे, यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स सही नहीं है। सब जने मैरिज सर्टिफिकेट के वास्ते आए समझ के मेरे को दखल दे रहे हैं। कब डाले थे आप? कब डाले थे आप? डालने के लिए आए और पीछे पकड़ के अपनी फॉर्म भी पकड़ के पीछे से ढकल, नया कोई इस्लाम में दाखिल हो रहा था क्या, इसका मतलब यही है क्या? कहाँ से आप? रिलीजन सर्टिफिकेट, मैं पसवानसर से आया। ले ले।